हेलो, हाँ सब तैयार है ना? नहीं नहीं अभी नहीं, दोपहर में जब सब सो रहे होंगे तब आकर मिल लूंगी। हाँ हाँ तुम फिक्र मत करो, हमें बाबू के लिए ये सब करना ही होगा। रुचिता बेटा, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो अरे वहां क्या देख रही हो तुम बेटे? गर्मी बहुत हो रही है, मेरे लिए अपने हाथों से एक ठंडा नींबू पानी पिला दो। जी दादी जी, अभी ले। गर्मी बहुत है, मैं बाहर से आपके लिए गन्ने का जूस लेकर आऊं? हाँ ये भी सही रहेगा, ले आ। भैया सुनिए ना, आप बाहर से गन्ने का जूस भिजवा दीजिएगा क्या दादी जी के लिए? ठीक है मैम, भिजवाता हूँ। हाँ हाँ बस पहुंच रही हूँ। शायद कोई जानवर होगा। कुछ गलत हो रहा, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अच्छा तू बैठ, पहले बैठ जा।
निहार्च, निहार्च, निहार्च। किसी ने पुकारा मुझे, किसी ने मेरा नाम लिया। निहार, निहार बेटा, निहार बेटा बात सुनो, निहार निहार नहीं, निहार निहार बेटा क्या हो गया? शांत हो जा बेटा, तू सब ठीक हो जाएगा प्लीज बेटा। हाँ बेटा शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा एक काम, चल कमरे में चलकर आराम कर ले, देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। आजा आजा बेटा, आ मेरे साथ। जितना चीखना है चिल्लाना है चिल्ला लो, तुम्हारी हर कोशिश हर चीख बेकार है। कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए, खास करके तुम्हारे निहार जी, वो तो बिल्कुल भी नहीं। अरे क्या बात है, आज तो बड़ी खुश दिखाई दे रही है तू, ऐसा क्या हुआ? तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? अगर रुचिता को कुछ हो गया ना तो तुझे कौड़ी नहीं कोड़े पड़ेंगे। इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है तू? अरे भेजे में कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? कोड़े? किसको कोड़े पड़ने वाले? वो बेटा नाटक की जो हीरोइन है ना, उसको आज उसके ससुराल वाले ना उसे कोड़े मारने वाले हैं। बस वही बता रही थी अप्सरा को। हाँ माई सही कह रही है, वही। आप लोग बेटा बात तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि पता नहीं। खैर आपने रुचिता जी को कहीं देखा क्या? नहीं तो, रुचिता को तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी। क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या काम है रुचिता से? मुझे बिजनेस के सिलसिले में उनसे कुछ पूछना है, इसीलिए उन्हें ढूंढ रहा था। ठीक है आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ बाहर। मन से बेचैनी जा ही नहीं रही, आखिर रुचिता जी है कहाँ? बात करता हूँ लेकिन रुचिता जी का नंबर मुझे याद ही नहीं।
पिताजी ने फोन क्यों नहीं उठाया? आखिर कहाँ चली गई वो? एक बार फिर 908000। भगवान, क्या करूं मैं, कैसे बाहर निकलूं? दादी, आपने रुचिता को देखा है क्या? नहीं बेटा, पता नहीं कहाँ है वो। बाहर गई थी मेरे लिए जूस लाने और गार्ड के हाथों भिजवा दिया, खुद पता नहीं कहाँ रह गई। इसका मतलब रुचिता जी घर वापस आई ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, रुचिता जी को ढूंढू तो कहाँ ढूंढू। ये भैया जंगल में कोई प्रोग्राम है का? अभी एक मैडम को जंगल में छोड़ के आ रहे हैं। प्रोग्राम का तो नहीं पता, लेकिन भी एक महिला को छोड़े। क्या बात कर रहे हैं, जंगल में और क्या, जंगल में। भाई साहब, हाँ हाँ, ये आप अभी बात कर रहे थे ना कि आपने किसी को वहाँ जंगल की तरफ छोड़ा। हाँ, एक मैडम थी। कैसी दिखती है मैडम? लंबे बाल है, चश्मा लगाती है, सांवली है। हाँ, वैसी मैडम थी। भाई साहब प्लीज, आपने वो मैडम को जहाँ छोड़ा प्लीज मुझे वहाँ लेकर चलिए प्लीज। ठीक है, आप बैठिए। जीत भाई, हम छोड़ के आते। हाँ हाँ, आइए। थैंक यू। मैं इसे हार नहीं मान सकती, मुझे कैसे भी करके बाहर निकलना ही होगा। रुचिता जी, रुचिता जी, हे भोलेनाथ, कहाँ ढूंढो रुचिता जी को? अब तो आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, रुचिता जी यहाँ है या नहीं, अब आप ही बताइए मुझे। रुचिता जी, ये तो रुचिता जी का कंगन है, इसका मतलब वो यही कहीं, मुझे उन्हें ढूंढना होगा। रुचिता जी, रुचिता जी, एक बार फिर से कॉल करता हूं। फोन तो यही कहीं बज रहा, लेकिन कहां, आवाज तो बहुत धीमी आ रही है। फोन
भगवान, फोन तो ऑफ हो गया। हे घाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब अभी अगर मेरे निहार जी होते तो पक्का मुझे बचा ले। रुचिता जी, रुचिता जी, रुचिता जी, बाबूजी, 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 रुचिता जी, हाँ बाबूजी, बाबूजी, मैं वहीं आऊँ, मैं वहीं आऊँ। रुचिता जी आप ठीक है ना? आप नीचे कैसे पहुंची? रुचिता जी एक मिनट दीजिए, मैं कुछ करता हूं। रुचिता जी इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। पकड़िए, आने की कोशिश कीजिए, आइए। बाबूजी आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसी हूँ? कुछ लोगों को मैंने बात करते हुए सुना था कि उन्होंने शायद आपको इस जंगल के पास छोड़ा, फिर मैंने आपका नंबर डायल किया और आवाज सुनते सुनते यहाँ तक आ गए। लेकिन आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? पापा जी ने दिया था या आपके पास पहले से सेव था? नंबर तो आपका सेव नहीं था, बस मैंने कॉल किया 9800 पे, इस घटे के पास से उसकी आवाज आई तो आ गया। आज के समय में इतनी जल्दी नंबर कैसे याद हो सकता है? मेरा नंबर सिर्फ निहार जी को ही मुंह ज़बानी याद था। मेरा शक और पक्का होता जा रहा है कि यही मेरे निहार जी, लेकिन मुझे पुख्ता सबूतों के साथ इसे कंफर्म करना होगा। अगर ये बाबू जी हैं तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनके और अप्सरा के बीच में कोई भी दूरी आए। वो मैं पता नहीं कैसे यहाँ आ गई, वो मैं किसी और काम के सिलसिले में जा रही थी और छोटे रास्ते की वजह से इधर से आ गए और गलती से ये हादसा हो गया। लेकिन अभी हमें घर चलना चाहिए वरना सब परेशान हो जाएंगे। चलिए। अब तक तो वो रुचिता भूख प्यास से मर गई होगी, या तो पक्का किसी सांप या बिच्छू ने ढस लिया होगा। चलो अच्छा है, मेरे बाबू के जीवन से पनौती तो टली। ये पनौती, मेरा मतलब है रुचिता जिंदा कैसे बच गई? वो सब छोड़, अगर इसने बाबू को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा, इसकी चिंता कर।
फार्म हाउस से मेरी और निहार जी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। क्या पता यहाँ आकर मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिससे मेरा शक दूर हो जाए कि ये मेरे निहार जी है या अप्सरा के बापू। रुचिता जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू बाबूजी, मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही रुचिता जी मुझे मिली, मेरी बेचैनी शांत हो गई। ये कैसा जुड़ाव है मेरा रुचिता जी के साथ? ये मेरे निहार जी हैं या बापू जी, इसका पता लगाने के लिए अब मेरे पास एक ही तरीका है। उसके बाद खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बापू जी को तैरना नहीं आता, लेकिन निहार जी को बहुत अच्छे से तैरना आता था। सच जानने के लिए मुझे पूल में कूदना पड़ा। रुचिता जी बचाओ! बाबू तुमको तैरना नहीं आता, बचाइए! रुचिता जी! ये फार्म हाउस आने का आइडिया बहुत अच्छा था बेटा। कितने सालों बाद यहाँ आ रहे हैं। सच में पूरे परिवार के साथ में यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पहली बार अकलमंदी का कोई सुझाव दिया है रुचिता ने। फार्म हाउस से मेरी और निहार जी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। क्या पता यहाँ आकर मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिससे मेरा शक दूर हो जाए कि ये मेरे निहार जी है या अप्सरा के बाप। बाबूजी को तैरना नहीं आता, लेकिन निहार जी को बहुत अच्छे से तैरना आता था। सच जानने के लिए मुझे पूल में कूदना पड़ेगा। रुचिता जी बचाओ! मुझे किसी भी हालत में इन्हें बचाना ही होगा। बाबू तुमको तैरना नहीं आता, बचाइए! रुचिता जी! बाबूजी को तैरना नहीं आता, लेकिन निहार जी को बहुत अच्छे से तैरना आता था। सच जानने के लिए मुझे पूल में कूदना पड़ेगा। रुचिता जी बचाओ! मुझे किसी भी हालत में इन्हें बचाना ही होगा। बाबू तुमको तैरना नहीं आता, बचाइए! रुचिता जी!